कॉमर्स कंपनियों के फर्जी ऑफर पर एक्शन की तैयारी चल रही है। लोक लुभावन ऑफर वाली कंपनियों पर कदम उठाएगी सरकार। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस और जुर्माने की तैयारी की जा रही है। दीपावली तक उपभोक्ता मंत्रालय ड्राइव चलाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरह से ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश है, जो अनट्रेड प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाते हैं, और इसी पर ही उपभोक्ता मंत्रालय दीपावली तक ये मुहिम चलाएगा, जिसके तहत ये कार्रवाई होगी। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कई कंपनियों पर दरअसल झूठे विज्ञापन देने का आरोप लग गया। प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि प्रोडक्ट को प्रभावशाली दिखाया जाता है। विज्ञापन के वादों से उलट होता है प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस, ये सवालों के घेरे में आता है। डिस्काउंट पर भी भ्रमित करने वाली जानकारी दी जाती है लोगों को। त्योहारी सीजन में लोक लुभावन ऑफर्स की बाढ़ सी आ जाती है, लेकिन असल जो प्रोडक्ट होता है उसमें धांधली होती है या धोखेबाजी होती है। इसीलिए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि जागरूकता बढ़ सके। और आप हमारे साथ पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पीयूष, अगर आप इस ड्राइव के बारे में बता पाएं, ये कैंपेन क्या है उपभोक्ता मंत्रालय का? बिल्कुल निधि, देखिए उपभोक्ता मामलों की जो सचिव हैं निधि खरे, उन्होंने हमें बताया कि ई कॉमर्स कंपनियां लोक लुभावन ऑफर देती हैं कि मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट खरीदें और उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो आपको एक रुपए का मिलेगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट एक रुपए में खरीदना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता और बड़ा कोफ्त होता है उपभोक्ता को। तो इन स्थितियों के मद्देनजर उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय निगरानी कर रहा है और दशहरा से दीपावली तक पूरी तरह से निगरानी की जाएगी सटीक तरीके से। साथ ही जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी और ऐसे लोक लुभावन दावों पर शिकंजा कसा जाएगा, खास तौर पर जुर्माना लगाने और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय कर सकता है। जबकि इस मामले में उपभोक्ता की तरफ से कोई शिकायत की गई है और उनकी ओर से अपील भी की गई है कि उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और शिकायत करें, ताकि सुधार आ सके और ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे भविष्य में दावे नहीं करें। जी निधि, बिल्कुल, उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए, उनके फायदे के लिए एक बड़ी ड्राइव चलाई जाएगी, एक मुहिम चलाई जाएगी। और टीवी 9 ने उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे जी साथ में। निधि मैम, जो हेल्थ वॉशिंग वाला इशू है उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है और अब उसमें आगे किस तरह से बात बढ़ रही है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, खास करके जो इस तरह के अपने इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार के बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या बेसिकली विटामिन्स को लेकर के, प्रोटीन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रामक एक तरह से क्लेम्स करते हैं। इवन लेबलिंग पर भी वो सही प्रकार से अपनी चीज़ों को जो मैंडेटरी रूप से लिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स पे भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनमें जो मैंडेटरी रूप से जो ग्राहक को जानकारी देनी चाहिए और उसके बारे में जो एक बहुत ही भ्रामक रूप से फैंटेसाइज करके दिया जाता है, इस पर विभाग को लगता है कि इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस इस पर भी आनी चाहिए। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इसे एग्जामिन करेगी, इस इशू को, और देखेगी कि इसमें किस प्रकार से एक गाइडलाइंस लाई जा सकें।